लाइट बंद है ना, चल रहा। स्टार्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पवन खेड़ा का जो है, यहाँ पर कई बार हमने नाम सुना कि भाजपाइयों ने उनके खिलाफ कभी मामला दर्ज करवाया तो कभी उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन और नारे भी लगाए, लेकिन इन सब के बावजूद जो है पवन खेड़ा अपने बयानबाजी से जो है बाज नहीं आ रहे, और इसी को लेकर के जो है अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की भी घंटी कभी भी लटक सकती है, क्योंकि एक बार वो गिरफ्तार हो चुके हैं, दूसरी बार उनकी गिरफ्तारी जो है वो तय दिखाई दे रही है। ऐसे में पवन खेड़ा की संपत्ति को लेकर के जो है कई सारे खुलासे होने लग गए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिन जो है ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की छापेमारी, वो उन नेताओं के ऊपर जो है त्वरित रूप से करवाई जाती है जो नेता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से बचने की कोशिश करते हैं, जिनके ऊपर गिरफ्तारी जो है वो यहाँ पर तलवार के रूप में उनके ऊपर लटक रही होती है। ऐसे में पवन खेड़ा के ऊपर जो है संपत्ति का वार भी आ सकता है, यानी कि अब उनकी संपत्ति को भी खंगाला जा सकता है, और अगर ऐसा होता है और उनके पास आय से ज्यादा अधिक संपत्ति होती है तो उनकी गिरफ्तारी उस मामले में भी हो सकती है। फिलहाल चलिए जानते हैं कि पवन खेड़ा के पास कितनी संपत्ति है। पवन खेड़ा का जन्म 31 जुलाई 1968 को दिल्ली, भारत में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में एमबीए किया। पवन खेड़ा अपने शुरुआती दिनों से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पार्टी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और इसकी विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। 1998 में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया और वे 2004 तक इस पद पर बने रहे। बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। पवन खेड़ा पार्टी में अपनी भूमिकाओं के अलावा कई मौकों पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2014 में उन्होंने महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र से 2019 तक का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन एक बार फिर से वे असफल रहे। पवन खेड़ा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा है। उनके रिश्तों या वैवाहिक स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो एक निजी व्यक्ति हैं और अपने राजनीतिक करियर पर ध्यान देना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि पवन खेड़ा की कुल संपत्ति सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है। भारत में एक प्रमुख राजनीतिक दल के एक राजनेता और प्रवक्ता के रूप में उनकी अच्छी आय है, हालांकि उन्हें उनकी सटीक निवल संपत्ति के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि उनकी संपत्ति को लेकर के जो है जल्द ही छानबीन शुरू हो सकती है और कितनी उनके पास नेटवर्थ है ये भी जल्द सामने निकल करके आ जाएगा। पवन खेड़ा के बारे में सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा की और आपने ये जरूर देखा होगा कि यहाँ पर जो है पवन खेड़ा इन दिनों बीजेपी के ऊपर काफी हमलावर नजर आ रहे हैं और खास करके पीएम मोदी के ऊपर। उनके बयानों की वजह से ही जो है वो इस वक्त सुर्खियों में है और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है उनके ऊपर अगर कोई गाज गिरती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके बयानों की वजह से ही। फिलहाल उनकी संपत्ति का ये डाटा देखने के बाद अब आप लोग क्या तर्क है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।